अभी तक हमने पढ़ा था कि वांडा पेट्रॉन्स्की की स्टोरी है। वांडा पेट्रॉन्स्की पोलैंड से थी, वो माइग्रेट किया उसने यूएसए में, अमेरिका में, और वहाँ पे उसको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। बच्चे उससे भेदभाव करते थे, बच्चे क्यों करते थे, बच्चों को उसका नाम फनी लगता था। वांडा पेट्रॉन्स्की उसे ये नाम फनी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि उस एरिया में जितने भी बच्चे थे उनका इस तरीके से नाम नहीं होता था, ठीक है। जैसे आप सबके लिए भी वांडा पेट्रॉन्स्की या थॉमस, ये सारे नाम क्या है, थोड़े यूनिक है, कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो टाइटल्स नहीं मिलते, सरनेम नहीं मिलते। यही उन बच्चों के उस एरिया में यही हुआ था। तो वांडा पेट्रॉन्स्की अमेरिका में एक छोटी से स्लम एरिया में रॉबिन्स हाइट में रहती थी। वो स्कूल वहाँ से जाया करती थी चल के, तो उसके पैरों में मिट्टी भी रहती थी, तो हर छोटी बड़ी चीज़ों में उसका मजाक उड़ाया जाता था। अक्सर क्लास के बच्चे से पूछा करते थे दैट वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव इन योर क्लोज़ेट, जिस पे वो जवाब दिया करती थी 100 ड्रेसेस। तो 100 ड्रेसेस सुन के इसीलिए जो स्टोरी है इसका टाइटल 100 ड्रेसेस रखा गया, क्योंकि एक बार इस तरीके से उसे परेशान करना, टीज करना, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलती थी। एक बार क्लास में एक कंपटीशन रखा गया जिसमें गर्ल्स के लिए जो टॉपिक था वो था फैंसी ड्रेस, ठीक है, आप डिज़ाइनर ड्रेसेस कौन सबसे ज़्यादा अच्छा ड्रॉ करेगा, उसको प्राइज़ मिलना था। तो उसमें वांडा पेट्रॉन्स्की जीती। वांडा पेट्रॉन्स्की ने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन किए थे, वहीं जो बाकी स्टूडेंट्स थे उन्होंने किसी ने 2 किए थे, किसी ने 1 ही किया था, लेकिन केवल और केवल एक ही पूरी क्लास में लड़की थी वांडा पेट्रॉन्स्की जिसने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन किए थे, ठीक है। और हर एक ड्रेसेस जजेस के अकॉर्डिंग हर एक ड्रेसेस जीतने लायक थे, इतने सुंदर वो ड्रेसेस उन्होंने बनाए थे, ठीक है। तो जिस दिन ये अनाउंस किया गया उस दिन वहाँ पे बाकी बच्चे सब बहुत ज़्यादा शॉक भी हुए और खुश भी हुए, सब उसके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन वांडा पेट्रॉन्स्की एब्सेंट थी और सब चाह रहे थे कि अगले दिन जब वो आए तो हम सब उनको प्रेस करें। जो पहले उन्हें उसे ट्रीज भी करते थे वो सब भी क्या कह रहे थे कि जब वांडा आएगी तो हम सब उसे प्रेस करेंगे। लेकिन उसके बाद एक दो दिन तक यही नोटिस किया गया कि वांडा नहीं आ रही। तो फर्स्ट स्टोरी में यही था, सेकेंड स्टोरी आगे। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Manson a note. ठीक है, जब क्लास में सर्कलिंग कर ही रही थी मॉनिटर, तब तक प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट आता है, किसको, उनकी टीचर मिस मैसन को। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। मिस मैसन ने उस नोट को पढ़ा और थोड़ी देर उस पर विचार किया। Then she clapped her hands, फिर attention के लिए उसने clap किया, ठीक है, अपनी class को अपनी तरफ बात बताने के लिए। Attention class, everyone back to their seat, सभी अपनी seat पर वापस बैठ जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, जब बच्चे इधर उधर जाने की जो आवाज़ होती है that is shuffling of feet, तो जब बच्चे अपनी अपनी seat पर जा रहे थे वो सब सारा शोर ख़त्म हुआ, शांति हुई। Then Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. कि ये letter Wanda के father ने भेजा है जो मैं अब आपके सामने पढ़ूंगी। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. ठीक है, तो जब जैसे ही वो पढ़ने लगी पूरे रूम में क्या हुआ, एक टेंस का माहौल हो गया। The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Teacher ने अपने जो glass है, जो चश्मा है, उसको adjust किया, ठीक तरीके से पहना। Her manner indicated that was coming. ठीक है, that what was coming. इस तरीके से उसके चश्मे को यूँ पकड़ना, इतना serious हो जाना, तो कहीं ना कहीं बच्चों को समझ आ रहा था कि ये कुछ serious letter आया है। This letter from Wanda's father was a matter of great importance. ये जो letter Wanda के father ने भेजा था ये एक important letter था, एक important matter था। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. ठीक है, तो सभी उसने alert किया, पूरी teacher ने पूरी class को बताया कि सब इसे ध्यान से सुनेंगे जो अब वो बोलने वाली हैं। Dear teacher, अब ये जो लेटर है ये किसने लिखा है, वांडा के फादर ने। डियर टीचर,
माई वॉन्डा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। ठीक है, तो ये नोट किसके लिए था? वॉन्डा की टीचर के लिए था। क्या नोट में लिखा गया था? कि अब से मेरी बेटी वॉन्डा आपके स्कूल में नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, जेक भी, उसका ब्रदर जेक, वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बिग सिटी की तरफ चले गए हैं। नो वन हॉलो पोलक नो मोर एज आस्क व्हाई फनी नेम। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं? अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो हमें पोलक के नाम से अनाउंस करे। पोलक किस लिए चढ़ाते थे? क्योंकि वो पोलैंड से बिलोंग करते थे। कोई हमें ऐसा नहीं कहेगा कि तुम्हारा इतना फ़नी नेम क्यों है। कोई मेरे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाएगा। प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि हमारे जैसे नाम बिग सिटी में काफ़ी ज़्यादा है। योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की। ठीक है, तो जैन पेट्रॉन्स्की वॉन्डा पेट्रॉन्स्की के फादर थे। उन्होंने इस तरीके का नोट वॉन्डा की टीचर को भेजा। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस लेटर को पढ़ने के बाद क्लास में बहुत शांति हो गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। मिस मैसन ने अपने ग्लासेस उतारे, उसे अपनी हैंडकरचीफ से साफ किए। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास। फिर उसने वापस से चश्मा पहना और पूरी क्लास को देखने लग गई। वेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। जब मिस मैसन ने आगे कहा तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिब्रेटली हर्ट एनी वंस फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन। तो यहाँ पे मिस मैसन सीरियस होके क्लास में बच्चों को बोलती हैं कि मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि उस रूम का नंबर क्या था, 13, तो इसीलिए यहाँ डिनोट किया गया है रूम 13, कि मुझे पूरा यकीन है कि इस रूम 13 में जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझ के किसी का मजाक, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम थोड़ा अलग है उनसे। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सैड इन थाटलेसनेस। तो मुझे टीचर क्या कहती है आगे, कि मिस मैसन कहती है कि मुझे लगता है कि अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो उसने अनजाने में किया है, बिना सोचे समझे किया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे पता है आप सब भी वैसा ही सोचते हो, फील करते हो जैसे कि मैं करती हूँ। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैपन, कि ये बहुत ही दुख भरी चीज़ है जो घटना हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, ठीक है, बोथ एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, ये एक टीचर ने ये बच्चों को रियलाइज़ कराया कि एक बहुत सीरियस मैटर है कि आप किसी के नाम की, जस्ट एक नेम की वजह से, क्योंकि वो आपके जैसा नहीं है, क्योंकि वो कहीं और से बिलोंग करता है, तो आप उसको इतना टीस उसके नाम के ऊपर करो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। ठीक है, तो आपने पूरी स्टोरी में पढ़ा था कि पैगी और मैडी यही दो थे जो वॉन्डा को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो पहले पीरियड स्टडी का था, लेकिन मैडी फोकस नहीं कर पा रही थी। ठीक है, मैडी का ध्यान कहीं भी किसी काम में नहीं लग रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन बॉटम ऑफ हर स्टमक। ठीक है, उसको किसी बात का गिल्ट हो रहा था। ट्रू, शी हैड नॉट enjoyed लिसनिंग टू पैगी ask वॉन्डा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। और उसको किस बात का गिल्ट हो रहा था कि पैगी का इस तरीके से हमेशा वॉन्डा को पूछना कि तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस है, ये चीज़ें मैडी को पसंद नहीं थी, लेकिन मैडी ने कभी कुछ नहीं कहा। बट शी हैड सेड नथिंग, उसने कभी इस बारे में पैगी को नहीं कहा कि पैगी ऐसे मत बोला करो, ये गलत चीज़ है, कभी उसने नहीं किया। इस बात का गिल्ट अब उसको हो रहा है। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन। वो चुपचाप रही, ये उतना ही बुरा है जितना कि पैगी उसके साथ करती थी। वर्स, शी वॉज कावर्ड। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बींग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वॉन्डा शूज। तो
वो क्या कहती है आगे, मैडी को किस बात का और ज़्यादा गिल्ट है कि अगर पैगी ऐसा करती थी तो पैगी के मन में क्वेश्चन कभी नहीं आया कि वांडा इस बात से परेशान हो रही है। लेकिन मैडी को उसका इस तरीके से पूछना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो खुद को वांडा से कंपेयर कर सकती है। जैसे वांडा गरीब थी, वैसे ही मैडी भी गरीब थी। उसके पास भी इतने ड्रेसेस नहीं थे, वो भी किसी की मांगी हुई ड्रेसेस ही पहनती थी। इसीलिए इस तरीके से कपड़ों के बारे में पूछना मैडी को अच्छा नहीं लगता था। गुडनेस वॉजन देयर एनी थिंग शी कुड डू, इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। काश वो अब वांडा को बता पाती कि उसको कभी भी उसकी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए ये सब नहीं किया। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। वो टर्न करती है पैगी से बात करने के लिए, लेकिन पैगी नहीं देखती है उसे। She seemed to be studying hard. वो पढ़ रही थी। Well, whether Peggy felt badly or not, she Maddie had to do something. ठीक है, अभी Maddie क्या कह रही है कि हो सकता है Peggy को कोई फर्क ना पड़े, हो सकता है Peggy को ये सब सुन के बुरा ना लगा हो, लेकिन Maddie कह रही है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. उसको वांडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना है, उससे सॉरी बोलना है, उसके आगे कॉन्फेस करना है जो भी उसे फील हो रहा है। और हो सकता है उसे लगता है ऐसा कि शायद अभी वांडा पेट्रॉन्स्की शिफ्ट ना हुई हो, उसी शहर में हो। मे बी पैगी कुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल। ठीक है, तो आगे क्या कहती है कि शायद पैगी भी मेरे साथ रॉबिन्स हाइट चले, जहाँ पे वांडा पेट्रॉन्स्की रहती थी, और वहाँ पे वो वांडा को बता पाए कि उस दिन तो मैं एब्सेंट थी, लेकिन वो जो कॉन्टेस्ट था ड्रेसेस का, डिज़ाइनर ड्रेसिंग ड्रेस का, वो वांडा जीत चुकी है। वो वांडा को ये बताना चाहते थे और उससे सॉरी बोलना चाहते थे। ठीक है, और उससे बताना चाहते थे कि वो जब पहले बोला करती थी कि उसकी क्लॉजेट में 100 ड्रेसेस है, वो जो उसने प्रेजेंट किया है उस डिज़ाइनिंग ड्रेस पे, वो हर एक ड्रेस काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ से क्वेश्चंस है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्कीज लेटर से। ठीक है, मिस्टर पेट्रॉन्स्की के लेटर में क्या था? तो मिस्टर पेट्रॉन्स्की ने क्या बताया था कि अब से मेरे बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, अब उन्हें कोई भी इस नेम से नहीं चिढ़ाएगा। वो एक बिग शिफ्ट सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पे उनके जैसे नाम के लोग रहते हैं। सेकंड, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट। तो मिस मैसन, जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा, गुस्सा नहीं थी, वो केवल अपसेट थी। तो शी वॉज अनहैप्पी एंड अपसेट। नंबर 3, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। ठीक है, मैडी को कैसा फील हुआ? तो मैडी को बहुत ही बुरा फील हुआ। मैडी को गिल्ट हो रहा था इस बात का कि सब कुछ जानते हुए भी, ये जानते हुए उसे भी बुरा लगता था जब पैगी इस तरीके से उसे टीज करती थी। स्टिल उसने कुछ नहीं बोला, कभी उसने एक करेज नहीं दिखाया कि वो पैगी को ये सब करने से रोक सके। इस बात का गिल्ट हो रहा था, और इस वजह से ना उसका पढ़ाई में फोकस लग रहा था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वांडा के बारे में ही सोच रही थी। व्हाट डज मैडी वांट टू डू। मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी रॉबिन्स हाइट जाना चाहती थी, वांडा पेट्रॉन्स्की से एक बार मिलना चाहती थी, उसे सॉरी बोलना चाहती थी, और साथ ही में उसे ये बताना चाहती थी कि उस ड्राइंग कॉम्पिटिशन के जो विनर था वो केवल और केवल कौन थी? वांडा पेट्रॉन्स्की। सो दीज वर सम डिज़ाइनर ड्रेसेस मेड बाय वांडा पेट्रॉन्स्की। व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, पैगी सेट विद प्रिटेंडेंट कैजुअलनेस, ही लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट द टाउन और नॉट। जैसे ही स्कूल दिन में स्कूल ख़त्म होता है, बच्चे सब जा रहे होते हैं, तो पैगी एक कैजुअल वे में बोलती है, जैसे लग रहा हो कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। किससे बोलती है? मैडी से, कि हे चलो चले रॉबिन साइड चले, क्या पता वो अभी यहाँ से टाउन उसने छोड़ा ना हो। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड, पैग वॉज रियली ऑल राइट। तो पैगी, अब मैडी को क्या लगता है कि अरे पैगी के मन में भी ये बात है कि वो उससे मिलना जा रही है।
The two girls hurried out of the building up the streets towards Boggins Height. और दोनों के दोनों जल्दी कहाँ चले जाते? Boggins Height, जहाँ कौन रहती थी? Wanda Petrowski. The part of the town that were such a forbidding area on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. ठीक है, damp क्या होता है? Damp and dismal is wet and sad. ठीक है, एक 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 तरीके की सिचुएशन जहाँ पे आप क्या हो, आप होपलेसनेस फील कर रहे हो. ठीक है, तो वो कि मतलब वो पेट्रॉन्स की मिलेगी या नहीं मिलेगी? वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम. पैगी क्या कहती है कि मैंने कभी उसको फॉरेनर नहीं बोला, मैंने कभी उसका नेम का मजाक नहीं उड़ाया. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे. मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि उसे ये बात पता चल रहा है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. आई थॉट शी वॉज टू डम. मुझे तो लगता था कि वो बहुत बेवकूफ़ है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. एंड ही लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. लेकिन देखो उसने कितना सुंदर ड्रॉ किया. मैडी कुड से एंड नथिंग. मैडी ने इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया. ऑल शी होप वॉज दैट दे वुड फाइंड Wanda. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज. तो मैडी ने पैगी का कोई रिप्लाई नहीं किया, पैगी को कोई जवाब नहीं दिया. वो सिर्फ क्या चाह रही थी कि उसे एक बार Wanda मिल जाए. वो उसने जो कुछ भी किया वो उसके लिए उसे सॉरी कह दे. और उसके बाद ही थॉट और उसे ये बता पाए कि स्कूल, सारा स्कूल उसके बारे में कैसा सोचता है. नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस. कि वो क्या चाहते हैं कि Wanda Petrowski उन्हें छोड़ के कहीं ना जाए, सब उसे पसंद करते हैं. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस. पैगी किसी से भी लड़ सकती है जो कि अच्छा ना हो. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. वो जल्दबाजी में वहाँ Robin Side जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे से पहले वापस आना भी है, वहाँ पहुँचना है. I think that's where the Petrowski lived. तो आगे मैडी क्या कहती है, इशारे करते हुए, पॉइंट करते हुए बताती है कि शायद यही वो जगह है जहाँ पे Petrowski रहते हैं. Pointing to a little white house. व्हाइट हाउस की तरफ पॉइंट करते हुए बताती है कि शायद यहीं पेट्रॉन्स्की रहते हैं. विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स. ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे किटन्स उन्हें घास पे दिख रहे थे. जैसे जो छोटे छोटे किटन्स होते हैं, जिस तरीके से छोटे बच्चे घास पे नहीं दिखते, उतनी उतनी हाइट के सब वहाँ पे ग्रासेस हो रखी थी घर के, व्हाइट हाउस के पास. The house in its sparse little yard looked shabby but clean. ठीक है, तो वो बहुत ही untidy, clean था but shabby था. It reminded Maddie of Wanda's one dress. और उसी से Maddie को किसकी याद आ जाती है? Wanda की उस dress की याद आ जाती है जिसका color एकदम faded था. लेकिन वो iron भी नहीं थी, लेकिन वो क्या थी? Shabby थी. मतलब shabby कैसे हो जाता है? जिस ड्रेस को आप आयरन नहीं करते हो, सलवटे सी पड़ जाती हैं, दैट इज शैबी. देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. पैगी नॉक फर्मली ऑन द डोर. अब यहाँ पे क्या साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, मतलब ऐसा लग रहा था घर पे कोई नहीं है. पैगी नॉक फर्मली ऑन द डोर बट देर वॉज नो आंसर. पैगी ने नॉक किया लेकिन कोई आंसर नहीं मिला. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक देयर. उसके बाद वो बैकयार्ड में गए